नोटिस आते हैं, 3 नोटिस आते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है रोड में। जैसे बलिनो मारुति ने अपनी टोयोटा को दे दी थी, वैसे ही यहाँ पे टोयोटा एंड सुबरू ने Very good morning and hello. How are you all? Welcome back to my channel. This is Tushar and this is Sari. This is Sahil. Yes. तो आज हम लोग करेंगे Toyota 86 का रिव्यू। हमारी बहुत तेज, काफी सारे लोगों की डिमांड थी, है ना, ऑन स्पेशल ओकेजन, नहीं ऑन स्पेशल पब्लिक डिमांड, स्पेशल रिक्वेस्ट। आज हम कार को रिव्यू करेंगे और कार में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या बोल रहा था, हाँ कैसी है, और हाँ बस देखेंगे आज, और एवरेज कितना देती है। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। How's everyone else? किदा? How's Tusi? How's Tusi? Tusi is good. How's Tusi? How are you, young man? Tusi, lassi, Tusi. हम लोग करेंगे रिव्यू Toyota 86 को। एक मिनट कैमरा सेट कर लेते हैं। हाँ, Toyota 86 को। और दिस इज फेरी दिस कार एंड हाँ। So today we have a very special guest. Her name is Kiara. ठीक है, इसका पूरा नाम है, जैसे जो कंपनी रखा है वो है Toyota 86. और इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, शुरुआत करो। हमने ली थी 2016 2017 में। That was my present to myself. मेरी एक नई गाड़ी थी, मेरे को मिली थी 21st पे। Okay. उसको बेच के we bought this one. पापा ने मना किया था कार नहीं लेनी, पापा हाँ। इंडिया गए थे हाँ। हमने पीछे से, मेरे को काम पे दिखी है कार, मेरे को कार अभी चाहिए थी। It was so good, इतना अच्छा रिव्यू था and it had really good kilometers as well. Perfect condition थी, तो हम लेने गए थे and I think उस दिन हमारा डिसाइड हो गया था कि हम लेनी है। तो हम 2 दिन में we had to gather all the money, बस इकट्ठे करके हम ले चले गए थे। It was a quick decision because it was so good. मेरी छुट्टी कराई थी इसने काम से, स्पेशली पूरा मेरा फुल डे काम का था, हाफ डे कराया इसने, मेरे को मिल ही गई, फिर गाड़ी लेके आए। प्रायोरिटीज यार। तो जो Toyota 86 है वो इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। 1-2 मैंने देखी थी, ठीक है, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे। अगर आप लोग इंस्टा फॉलो नहीं करते तो करो, तुषार BRZ 20 Instagram। Oh, B Bareja, BEBAREJA। आप बताओ साहिल, अपना सिंबल ये साहिल BRZ। तो हां, और हम गाड़ी के बारे में बात करते हैं। कार है 2 लीटर इंजन। हाँ, क्या कह रहे थे? तो टोयोटा 86 की जो एक्चुअली कार आई थी, 2 कंपनी से बनाई थी और सेम शेप है उसकी। हाँ। एक है टोयोटा की 86 और एक है सुबरू की BRZ। तो टोयोटा की कार में जो है उसका इंजन भी एक्चुअली में सुबरू का ही है, देखो। तो जैसे मारुति ने और टोयोटा ने कोलैब करके बलिनो, जैसे बलिनो मारुति ने अपनी टोयोटा को दे दी थी, वैसे ही यहाँ पे टोयोटा एंड सुबरू ने क्या बोलते हैं, कोलैबोरेट करके दोनों साइड से गाड़ी बेची है और दोनों में सेम पावर और सेम पावर नहीं, सेम पावर सेम फर्क क्या है? फिर फर्क है, बॉडी भी सेम है, इंटीरियर में डिफरेंस है। इट्स अ लिटिल बिट मोर हाई स्टैंडर्ड्स। आप चाबी देखोगे, इट्स वेरी वेरी फाइन ट्यून, इट्स वेरी नाइस। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी नहीं? तो BRZ इज स्लाइटली अ प्रीमियम वर्जन ऑफ 86 और BRZ व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, यू नो? नहीं। No. BRZ basically stands for Boxer, Rear-wheel drive, and Zenith. भाई आ गई थी सिक्योरिटी ने, हमको भगा दिया। ये कह रहे हैं कहीं और दागे। इनको कैसे पता? वो कैमरे लगे, कैमरे में देख रहा था। पर भाई खाली जगह हमने का रिकॉर्ड कर लेता है, इन्होंने हमको भगा दिया। इनको कौन सा फर्क पड़ रहा है, देखते हैं कोई और जगह। तो पहले आपने इस कार में एग्जॉस्ट लगवाया हुआ था। हाँ, it was the NVIDIA N1 Catback था। It was very good, बहुत अच्छा था। It showed you the power की, इंजन की पावर फील होती थी। It was very loud, but it got too loud, सर दुखता था। Yeah, travel far from work. और कंप्लेंट भी yeah, हाँ। एक बार ना मैं चला रही थी, I was coming home, midnight के आसपास आ रही थी, किसी ने कंप्लेन कर दी, नॉइस कंप्लेन कर दी। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को नोटिस आ गया था कि यू नो यू कांट हैव दिस समथिंग, इतना लाउड नहीं होना चाहिए। नोटिस आते, 3 नोटिस आते हैं, अगर 2 या 3 आते हैं। हाँ। अगर 3 आ गए तो तुमको इंस्पेक्शन के लिए आना पड़ता है। अगर 1 आ गए तो एक्सेप्टेबल। मैंने 1 आने के बाद ही हटा दिया एंड आई एम बैक टू नॉर्मल एग्जॉस्ट। इसकी साउंड यू नो इट्स नॉट बैड, बेबी इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। आई विल शो यू अ लिटिल बिट। बट जो वो है अभी तो स्पोर्ट्स मोड में नहीं है ना। तो इसके साथ हम लोग ऑफ कर, जैसे ABS भी होता है, EBD भी होता है, हम सब इसका ऑफ करके स्पोर्ट्स मोड पे डाल के ट्रैक्शन ऑफ कर देते हैं, उससे कार ड्रिफ्ट कार बन जाती है ना। हाँ, 152 हॉर्स पावर। तो मेरी GTI की पावर है 186 हॉर्स पावर। GTI is more powerful. It is. Race कर सकते हैं हम लोग कभी. GTI तो turbo है ना? हाँ, GTI is turbo engine. हाँ, so that's the difference. और मैं ऑनलाइन भी देख रहा था कि GTI और Mercedes A class AMG पता नहीं कोई सी वीडियो थी और GTI नहीं Golf थी शायद. हाँ, जीत गई थी वो. तो अभी हम लोग कोई और लोकेशन पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग रिव्यू करेंगे. इट हैज़ गॉट 2 लीटर इंजन जो जनरेट करता है 152 हॉर्स पावर और अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो दैट इज 212 न्यूटन मीटर्स. मतलब मीटर्स होता पता नहीं बट न्यूटन तो आगे होता ही है. जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इट इज़ 50 लीटर्स और जो मेरी गाड़ी की दैट इज़ 45 लीटर्स. अगर हम इसके टायर की बात करें तो इट हैज़ 17 इंच अलॉयज. इट कम्स विद डे टाइम रनिंग लाइट आगे भी पीछे भी, कीलेस एंट्री एंड ड्राइव, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल विद डुअल टेम्परेचर जोन. और ये बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा ऑर्गेजमिक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. और जब ये रोड पे चलती है तो जैसे मैं तो भाई देखता हूँ मुझे तो बहुत सुंदर लगती है, बाकी मुझे लोगों का पता नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर गाड़ी है बाहर से भी अंदर से भी. और जिस प्राइस रेंज में ये आती है इट इज़ वर्थ एवरी पेनी. मतलब आपको स्पोर्ट्स कार की भी फील होती है, आपको टॉर्क भी मिलती है, आपको पावर भी मिलती है एंड अगर आपको एग्जॉस्ट चाहिए तो वो भी मिलता है. तो बैक में कैसे कितना स्पेस है? बैक में है दो छोटे बच्चों का या एक कुत्ते का या दो कुत्ते का. ऐसे टांगे पूरी नहीं आती. हाँ. जिससे अगर कोई बंद करता है ना तो ये पूरी सीट आगे हो चुकी है वाली. यस एंड दे हैव गॉट द स्पोर्टी सीट्स एज वेल. तो पीछे का पैरों की जगह ही नहीं बची. तो अभी हम लोग इसको चला के देखेंगे कैसी है चलने में. इसके राइट में इंडिकेटर लेफ्ट में है, वही पावरफुल है. बट मैं ये कह रहा था कि GTI से थोड़ी सी कम पावर है. टेस्ट ड्राइव करके देख. कितना टाइम हो गया आपको इस गाड़ी रखे हुए? हो गया है 4 साल. और बिल्कुल रोड से चिपक के चल रही है गाड़ी. ओके चलेगी. ट्रैक्शन है, ट्रैक्शन है और बहुत मतलब कितने एक आईफोन का फर्क है ना बस जमीन में और उसमें. हाँ ले लियो. और पेडल शिफ्टर्स भी हैं इसके अंदर. हाँ. वही चलने में बहुत ज़्यादा ऑर्गेजमिक है और पावर इसकी फील होती है जब आप लोग चलाते हो. हाँ एग्जॉस्ट आपको थोड़ा लगेगा कम है बट जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसके ज़्यादा बड़े एग्जॉस्ट लगाओगे फिर कंप्लेंट हो जाती है, फिर फाइन पड़ जाता है. तो जो इसका डोर है अगर आपका मिरर नीचे है तो सिर्फ खाली दरवाज़ा है, बिल्कुल स्पोर्ट्स कार है, छत हटवाने की देरी है बस. और सनरूफ नहीं है और GTI में भी नहीं है. तो अभी थोड़ा सा बस प्रॉब्लम होती है निकलने में बट दैट्स फाइन. इसमें परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है. लास्ट क्वेश्चन जो मेन है मेरे को पूछना है कि कितने की ली थी एंड कितनी एवरेज देती है? Brand new Toyota 86 you can probably buy for about 30-32 I'd say. और ये गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है. टोयोटा अगर इंडिया में लाए तो भाई हम खरीद लेंगे. अभी चलेगी नहीं, लोन पे. It's so low कि गड्ढे होते हैं इंडिया में. It wouldn't last very long. और अगर हम डिफरेंस देखें तो सिर्फ एक आईफोन का है. देखो सिर्फ इतना डिफरेंस है रोड में और उसमें. That's a very क्या बोलते हैं लो हाइटेड कार. एंड हाँ कितने की ली थी? हमने ली थी when we bought it, it was only 2 साल नहीं 1 साल पुरानी थी ना. इसके थे 16,000 किलोमीटर. Oh that's very low. And we paid 25,000 for it. Oh that's nice. और ब्रांड न्यू 30 की है. ब्रांड न्यू 30-32 की आती है. हाँ, और अगर अब हम लोग इसको अभी भी बेचेंगे तो इसी के आसपास पैसे देके जाएगी क्योंकि इस कार की बहुत ज्यादा वैल्यू है और अलग से ही दूर से दिख जाती है गाड़ी है ना, बहुत सुंदर सी. 35 की है कोई बात नहीं, 5-10 ऊपर नीचे लगता है. का नाम नहीं पूछा. I forgot to introduce her. Her name is Kiara. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इतनी सी लाइक, अगर आप लोगों को वीडियो इतनी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश रहेगी बहुत ज़्यादा, सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट टाइम. तब तक लव फ्रॉम सिडनी, गर्ल्स फ्रॉम इंडिया. भी गर्ल ही है. नहीं हाँ मतलब लड़की को भी गर्ल, मेरे को नहीं बोला तो बॉयफ्रेंड है. पीस एंड द मैक्सिमम टॉक और अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो इट इज़ सम अराउंड तो अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो इट इज़